जैसा कि आप सब जानते हैं, बिग बॉस 17 इस समय काफी क्रूशल स्टेज पर चल रहा है और बिग बॉस 17 में कपल अंकिता लुखांडे और विक्की जैन को लेकर खूब चर्चा है। दोनों की कॉन्ट्रोवर्सीज, दोनों की लड़ाइयाँ हम सब देखते रहते हैं और हर वीक दोनों कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करते हैं कि खबरों में छाए रहे। रिसेंटली बिग बॉस में एक फैमिली इवेंट सेलिब्रेट किया गया जिसमें फैमिली मेंबर्स बिग बॉस के घर में आए और अपने अपनी फैमिली से मिले और उनको सपोर्ट किया। वहीं पर विक्की जैन की मदर भी आई थी और उन्होंने अंकिता लुखांडे को, यानी कि अपनी बहू को, काफी खरी खरी सुनाई और उनके बारे में काफी गलत गलत बातें भी की बाहर आकर, और बताया कि वो कभी ये शादी नहीं चाहती थी, विक्की ने अपनी मर्जी से शादी की थी और अंकिता बहुत गलत खेल खेल रही है। जहां पर अंकिता को इससे पहले कंगना रनावत भी सपोर्ट कर चुकी हैं, ऑल्दो उन्होंने अंकिता लुखांडे की सास के बारे में कुछ नहीं कहा, उन्होंने सास को भी सपोर्ट किया, अंकिता को भी सपोर्ट किया, लेकिन अब अंकिता की फ्रेंड रश्मि देसाई ने उनकी सासू माँ को काफी बातें सुनाई हैं और अपनी फ्रेंड अंकिता को सपोर्ट किया है। रश्मि देसाई का कहना है कि अंकिता की सासू माँ काफी गलत कर रही हैं और उन्होंने उनके बारे में बहुत गलत गलत बातें की हैं। रश्मि देसाई ने एक स्टोरी शेयर की जिसमें उन्होंने लिखा कि आई एम सॉरी आंटी, शी नेवर वॉन्टेड टू डू दिस शो, शी डिड इट फॉर हर लव विक्की जैन। एंड खर्चे पालने पड़ते हैं का क्या मतलब है आंटी, दे बोथ हैड देयर लव मैरिज एंड उससे पहले भी वो रोड पर नहीं थी। शी इज अंकिता लुखांडे, भाई बिग बॉस आपके बेटे पर पैसा लगाए, लड़की हमारी भी खरा सोना है, सबकी अपनी लड़ाई होती है पर आप नहीं चाहती इनकी शादी टिके, हर पति पत्नी में झगड़े होते हैं और शो भी डिफिकल्ट है, दो दिन में आपका ये हाल है, चार महीने निकालेंगी तो आप तकलीफ समझेगी, आपकी इज्जत करती हूँ हमेशा करूँगी पर यहाँ आप गलत हैं। रश्मि देसाई का क्लियरली अंकिता लुखांडे की सासू माँ को कहना था कि वो गलत कर रही हैं और वो अपने बेटे और बहू की शादी को रखे नहीं चाहती, वो चाहती हैं कि ये शादी टूट जाए और वो तोड़ने की पूरी पूरी कोशिश कर रही हैं। उन्होंने अंकिता के साथ बहुत गलत किया। अंकिता की मदर को भी कॉल कर दी गई और उनके फादर के बारे में बात की गई, ऑल्दो जब वो जाती हैं कि उनके फादर कुछ समय पहले ही उनकी डेथ हुई थी। इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जिस पर नेटिजन्स भी रिएक्ट कर रहे हैं और नेटिजन्स विक्की जैन और उनकी मदर को रेड फ्लैग कह रहे हैं, लेकिन दोनों का फैसला घर से बाहर आने के बाद ही पता लगेगा। फिलहाल आप हमें ये बताएं कि आपको कौन ठीक लगता है, अंकिता या उनकी मदर, विक्की जैन या उनकी मदर, हमें कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।